Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. Your student today who will discuss about the task components of ecosystem. Two major components of ecosystem, biotic and abiotic. Yaad rakhiye humne niche pe end kiya tha, lekin us niche ke saath saath agar hum dekhein, syncology aata hai next aur uske saath saath arthology aata hai. Syncology aur arthology smart syllabus ke mutabik work aapke syllabus mein clear nahi hai. तो आज हम स्टार्ट करेंगे कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम. इकोसिस्टम का हमने बात की थी कि टू मेजर कंपोनेंट है इकोसिस्टम के, बायोटिक एंड एबायोटिक. बायोटिक और एबायोटिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो यानी हमने कहा था कि कॉम्बिनेशन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक इज कॉल्ड इकोसिस्टम. तो आज हम इसके कंपोनेंट पढ़ रहे हैं यानी बायोटिक. अब बायोटिक के अंदर तमाम लिविंग थिंग्स आ जाती. अब तमाम लिविंग थिंग्स के अंदर क्या क्या चीज़ है, प्लांट्स एंड एनिमल. यानी हम अगर बात करें बायोटिक कंपोनेंट इंक्लूड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल. अब ये जो प्लांट्स और एनिमल सपोर्ट कर रहे हैं और उसके साथ साथ बायोस्फीयर इज स्प्रेड ओवर द सरफेस ऑफ द प्लैनेट अर्थ एक्सटेंडिंग अबाउट 8 to 10 किलोमीटर. हमने साथ बात की थी बायोस्फीयर की. एक और है अर्थ का वो इलाका जो किसी भी स्पीशीज के जरिए या जानदारों के जरिए बात हो उसको हमने बायोस्फीयर कहा था. तो ये एक्सटेंड करता है 8 to 10 किलोमीटर. ये एमसीक्यूज के अंदर आता है. अब इसके हमने बात की कि लिविंग कंपोनेंट के अंदर लिविंग थिंग्स के अंदर आ जाते हैं प्लांट्स और एनिमल, उनको कह रहे हैं बायोटिक कंपोनेंट. अब ये जो देखें कि बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या चीज़ आ जाती है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स और उसके साथ साथ डीकम्पोजर्स. अगर बात करें ए बायोटिक, हमने बात की बायोटिक लिविंग कंपोनेंट ए विदाउट ऑफ लिविंग. ए मीन होता है विदाउट. अब ए बायोटिक कंपोनेंट के अंदर तमाम नॉन लिविंग थिंग्स आ जाएंगे. नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर आप क्या क्या चीज़ आ जाती है, वाटर, सॉइल, एनर्जी, टेम्परेचर, ग्रेविटी और उसके साथ साथ टोपोग्राफी. अब हमने इनके दरमियान बायोटिक और ए बायोटिक को हमने देख लिया. अब इसके साथ साथ हमने इनके दरमियान इंट्रैक्शन क्रिएट करना है. यानी बायोटिक और एबायोटिक के दरमियान जो इंट्रैक्शन क्रिएट होगा वो किसकी बेस पर होगा, प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स और उसके साथ साथ डीकम्पोजर्स. अब ये जो इंट्रैक्शन होता है इसका डिपेंड करता है एक ऑर्गेनिज्म दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है. अब आपको पता होना चाहिए कि प्रोड्यूसर ठीक है ऑटोट्रॉफ है, ये अपनी खुराक खुद बना सकते हैं ठीक है. प्रोड्यूसर्स आर ऑटोट्रॉफ, दे कैन सिंथेसाइज देयर फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल्स. अब ग्रीन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स होते हैं प्रोड्यूसर, ये अपनी खुराक खुद बना सकते हैं. यानी लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में प्रोड्यूसर खुद अपनी खुराक बना सकते हैं. अब प्रोड्यूसर्स को इनकी बात हमने बात की कि फोटोसिंथेटिक प्लांट्स इसकी एग्जांपल में हम अगर डिस्कस करें तो ये तमाम प्लांट्स एक्सरसाइज में आ जाएंगे. लेकिन प्रोड्यूसर्स को जो कंज्यूम करता है उसे कंज्यूमर्स कहेंगे. अब कंज्यूमर्स में क्या चीज़ें आ जाती हैं, ये एनिमल्स वगैरह तमाम आ जाते हैं जो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, प्रोड्यूसर्स के ऊपर. यानी प्रोड्यूसर की बनाई हुई खुराक को कंज्यूमर्स यूज करते हैं, इसमें एनिमल्स वगैरह आ जाए ठीक है. लेकिन एट द एंड अगर हम बात करें कि कंज्यूमर्स एनिमल वगैरह जब डिके हो जाते हैं उनके ऊपर बैक्टीरिया और वायरस अटैक करते हैं तो उनको वो क्या कर देते हैं, इन एनिमल और प्लांट्स को डिकम्पोज कर देते हैं. उसे क्या कहेंगे हम, डिकम्पोजर्स. यानी सेप्रोफिटिक फिनोमेना इसके अंदर होता है. तो उसके साथ साथ ये तमाम चीज़ें लिविंग थिंग्स डिकम्पोज हो जाती हैं. किसकी वजह से होती है, बैक्टीरिया और फंजाई की वजह से ठीक है. अब उसके नतीजे में जो चीज़ बनती है यानी मिनरल्स वगैरह वो नाइट्रेट्स, अमोनिया, फास्फेट, पोटाशियम एंड कैल्शियम एक्सेट्रा, ये तमाम चीज़ें बनती हैं और ये दोबारा रन करती हैं. और जब ये दोबारा रन करती हैं तो ये नाइट्रोजन साइकिल बनता है ठीक है. यानी एनवायरमेंट से चीज़ें आती हैं और दोबारा एनवायरमेंट के अंदर चली जाती हैं. इसी की वजह से ये नाइट्रोजन साइकिल, अमोनिया साइकिल, फास्फेट साइकिल, पोटाशियम एंड कैल्शियम ये प्रोसीड करते हैं. अब नेक्स्ट वन अगर देखें फूड चेन, द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटिंग. प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटिंग उसको हम क्या कहते हैं, फूड चेन. यानी एक ऑर्गेनिज्म है जो किसी को खाता है वो दोबारा कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म उसको क्या खा लेता है उसे फूड चेन कहते हैं. जब फूड चेन हाईली कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, यानी हाईली कॉम्प्लिकेटेड फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब.
इसके अंदर एक वेब बन रहा है, यानी नेटवर्क बन रहा है, चैनल बन रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, फूड वेब। अब अगर इसको हम देखें एग्जांपल से, ये ग्रास है, इस ग्रास को ये रैबिट भी खा रहा है, ये रैट भी खा रहा है, और उसके साथ साथ ये बीटल ये भी खा रहे हैं, ठीक है, ये ग्रास। अब ये क्या बना है, एक किस्म का फूड चेन, ठीक है। अब ये देखें इसके अंदर दो तीन फूड चेन है, अगर हम बात करें किसकी, ग्रास को क्या चीज खा रहा है, ये बीटल। अब इस बीटल को क्या कौन खा रहा है, ये फॉक्स। ये एक फूड चेन बना है, ठीक है। फिर उसके साथ साथ ग्रास है, इसको रैट खा रहा है, रैट को कौन खा रहा है, ऑल। ऑल को कौन खा रहा है, टर्शियरी कंज्यूमर डॉग। ये दूसरा फूड चेन बना है, उसके साथ साथ ये ग्रास है, इसको रैबिट खा रहा है, रैबिट को डॉग, ठीक है। फिर ये एक तीसरा क्या फूड चेन बनी है, अब ये डॉग टर्शियरी कंज्यूमर है। अब ये हाईली कॉम्प्लिकेटेड फूड चेन मिलकर क्या बना रही है, फूड वेब, ठीक है। अब उसके साथ साथ अगर हम देखें सक्सेशन, अब सक्सेशन आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक नहीं है कि एक जमीन है उसके ऊपर कम्युनिटी कौन कौन सी यके बाद दीगर आती है, उसे सक्सेशन कहते हैं। लेकिन याद रखें ये आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ये तमाम चीजें नहीं है। तो नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं कि क्या चीज है कि प्रेडेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस, ये आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर है। अब प्रेडेशन क्या होता है कि प्रे और प्रेडेटर के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा उसे प्रेडेशन कहेंगे। अब प्रे और प्रेडेटर के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसे क्या कहेंगे, प्रेडेशन। लेकिन याद रखें प्रेडेटर क्या है, एन एनिमल दैट प्रेज ऑन अदर एनिमल। अब प्रेडेटर क्या है, वो एनिमल जो दूसरे एनिमल को क्या करते हैं, प्रे करते हैं, अटैक करते हैं, उसे प्रेडेटर कहेंगे। प्रे जिसका अटैक किया जाए उसे क्या कहेंगे, प्रे, ठीक है। अगर लाइन क्या है, डेयर को इसका शिकार करता है, तो ये प्रीडेटर और प्रे रिलेशनशिप है। अब उसके साथ साथ सॉरी लाइन क्या होगा, प्रीडेटर होगा, प्रे यानी डेयर होगी। अब इनके दरमियान क्या चीज होगा, एक रिलेशन होगा। अब इसकी सिग्निफिकेंस है कि प्रीडेटर की जितनी तादाद, प्रीडेटर की तादाद तब बढ़ेगी कि जब ज्यादा से ज्यादा प्रे हो, यानी प्रे की तादाद के ऊपर प्रीडेटर डिपेंड कर रहा है। जितने प्रे ज्यादा होंगे उसी के साथ साथ उतने ही प्रेडेटर ज्यादा होंगे, यानी प्रेडेटर के उतने ही नंबर बढ़ेंगे जितने क्या होंगे, प्रे होंगे, ठीक है। इस पैराग्राफ के अंदर ये तमाम बातें की गई है। अगर हम देखें इसकी एग्जांपल की कैट माउस, अब कैट किसको का शिकार कर रहा है, माउस का। कैट क्या, प्रेडेटर, माउस जो है क्या, प्रे, फॉक्स, रैबिट। फॉक्स और रैबिट इनके दरमियान रिलेशन बन रहा है, सील फिश इनके दरमियान रिलेशन बन रहा है, फ्रॉग मॉस्किटो हॉक स्मॉल बर्ड्स ये रिलेशन बन रहा है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा इधर तक ही था, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। ओके थैंक यू।